हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नोहब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो चलो अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ टेबल पार्ट टू में। इसका मतलब बेसिकली मैंने देखा आपको कि 21, 31, 41, 91 टाइप के टेबल्स में आपको दिक्कत नहीं आ रही है। अब वो तो अच्छे से आ गया है, बट अब आपको दिक्कत आ रही है कुछ इस तरह की, इज़न्ट इट? दैट मीन्स जब भी कोई आपसे पूछ रहा है 53 का टेबल, जब भी आपको डेली लाइफ में कैलकुलेशन करते हुए जूझना पड़ रहा है कुछ इस तरह के टेबल के साथ, दैट मीन्स 99 × 8 टाइप के टेबल, देन 93 × 7, दैट मीन्स जब भी कुछ इस तरह के टेबल आपके पास आ रहे हैं तो फिर आपको सोचना पड़ रहा है काश इसका भी कोई शॉर्टकट होता। तो यस, देयर इज अ शॉर्टकट। तो चलो उसी शॉर्टकट को बुलाते हैं और यहां पे हम सारे टेबल को आसानी से चुटकियों में लिख पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं 22 से। व्हाट यू हैव टू डू, जो मैंने बताया था लास्ट वाले ट्रिक में, उसी तरह से आपको यहाँ करना है। यू हैव टू राइट राइट हैंड साइड का टेबल एंड लेफ्ट हैंड साइड का टेबल, ओके, एंड देन यू हैव टू मर्ज इट टुगेदर। बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, 2 का टेबल लिख डालो। सो यू रिट इज 2, 1, 2, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, then 14, then 16, 18, and 20। लिख दिया। सिमिलरली 2 का टेबल लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख दो। तो जो बच्चे हिंदी में ज़्यादा फेमिलियर हैं, 2 × 2, 2 × 4, 2 × 6, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 12, 16 × 12, 18 × 20 लिख दिया, डन। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है, जहाँ भी 2 digits आए हैं लिख दो एज इट इज, सो इट इज़ योर 2 digit। तो यहाँ तक तो कोई परेशानी ही नहीं थी। नेक्स्ट, यहाँ जहाँ भी आपको सेंटर में 2 digits दिखे हैं, इन दोनों को कर दो आपस में ऐड। सो व्हाट यू विल गेट, 110। कैन यू सी हियर, सिमिलरली 2 + 1 ऐड करते ही मिलेगा 3, सो इट विल बिकम 132। गॉट इट, यहाँ मिलेगा 4 + 1 करते ही 5, सो 154। दिस विल बिकम 176 एंड दिस विल बिकम 198 एंड फाइनली यू विल गेट 220। कैन यू सी दिस, था ना ये मजेदार सा आसान सा तरीका? सो यू हैव गॉट द टेबल ऑफ 22 लिखने का सबसे आसान तरीका। क्लियर, अंडरस्टूड? और थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, बच्चों बड़ों सबके लिए ये टेबल है। सो यू कैन जस्ट रिमेम्बर हियर दैट ऑलवेज कोई सा भी टेबल आए, कोई सा भी, ठीक है, कहीं का भी कोई सा भी नंबर दे दिया जाए, आपको ये ध्यान रखना होगा दैट व्हेनेवर यू आर राइटिंग, जब 1 digit से ज़्यादा डिजिट के आपके पास टेबल्स आते हैं तो लास्ट का जो डिजिट होगा वो वही रहेगा जो उसके टेबल में आता है। दैट मीन्स यहाँ 22 में 2 के टेबल में जो भी लास्ट में आता है, हियर ऑलवेज इट विल बी सेम। गॉट इट? जैसा आपने 31, 21, 71 के केस में देखा था, यहाँ भी देखो हर जगह, कैन यू सी दिस, लास्ट वाले लाइन पे अगर आपने फोकस करा हो तो इस कॉलम में सेम वही सारे डिजिट्स होंगे। अंडरस्टूड? क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो चलो एक और ट्राई करते हैं। अब लिखते हैं यहाँ, क्या बोलते हो, कौन सा टेबल लिख डालूँ? 29 लिख दो, है ना? स्टार्ट किया है 22 से, तो स्टार्ट एंड करते हैं 29 से। चलो लिखते हैं 29 का टेबल, क्या करना है, याद ही हो गया अब आपको। 9 का टेबल लिख दो, तो क्या हो जाएगा, 9 × 9, 9 × 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 and 90। लिख दिया, अब बस 2 का टेबल लिखना है। सो हियर इट इज 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड हो जाएगा आपके पास 20। नेक्स्ट व्हाट टू डू, बस यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ 2 digit दिख रहा है एज इट इज रहने दोगे। सो व्हाट वी कैन सी, ओनली 29 है 2 digit। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, ये जो 4 + 1 है आपस में ऐड करो, सो व्हाट यू विल गेट, 58। 6 + 2 ऐड करो, क्या मिलेगा, 87। देन हियर 8 + 3 हो जाएगा आपके पास 11, सो दिस वी कैन बिकम हियर 8, 3, 11, सो 11 के बाद आ गया 6। देन नेक्स्ट यहाँ करना है 0 + 4, सो दिस विल बिकम 1, 4, 5 एंड यहाँ 5 + 2 हो जाएगा 7, सो 1, 7, 4। नेक्स्ट थोड़ा सा ध्यान देना, हियर व्हाट यू आर गेटिंग, 6 + 4 is 10, सो 10 एज इट इज मत लिख देना, 0 यू हैव टू राइट एंड 1 जैसे हम एडिशन में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, सिमिलरली 1 विल बी कैरी फॉरवर्डेड टू दिस 1 एंड व्हाट यू विल गेट, 1 + 1, 2, 0 and 3। कैन यू से दिस, है ना बहुत ही अच्छा सा तरीका? सिमिलरली
6 प्लस 7 कितना हो जाता है 13, सो व्हाट यू हैव टू राइट 3, एंड यहाँ जो 1 बचा 1 प्लस 1 इधर हो गया 2, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कर दिया। सिमिलरली 8 प्लस 8 होता है 16, सो हियर आई विल राइट 6, 1 जो यहाँ से बचा इधर आ जाएगा 2 के साथ, दैट मीन्स 1 के साथ, एंड यहाँ आ गया 290। नाउ जस्ट चेक द टेबल ऑफ 29, ओके अंडरस्टूड। तो इसी तरह से हम कोई सा भी टेबल लिख सकते हैं। सो चलो अब 22 से लेके 29 तक तो हमने कंप्लीट कर लिया, क्यों ना हम लोग 99 तक के टेबल को लिख दे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको भी लिखना, कौन सा टेबल लिख दूं। चलो आपके लिए भी एक होमवर्क होगा, सो आई विल राइट हियर 43 का टेबल, ठीक है, 3 का टेबल लिख डालो इन द राइट हैंड साइड। सो 31 जो 3, 32 जो 6, 33 जो 9, 34 जो 12, 35 जो 15, देन 18 क्या हो गया, फिर 7 जो 21, देन 24, 27 एंड 30, क्लियर। अब चलते हैं 4 के टेबल में, 41 जो 4, 42 जो 8, 43 जो 12, 44 जो 16, 45 जो 20, 46 जो 24, देन 28, देन 32, 36 एंड फाइनली वी हैव गॉट 40। व्हाट विल यू डू, जल्दी से मुझे बताओ, बहुत ही मजेदार सा तरीका है। सो 43 विल बिकम 43 ओनली, दिस विल बिकम 86। यहाँ आपको क्या करना है, दिस 1 प्लस 2 विल बी एडेड। अगर ऐसा सोचोगे देन इट विल बी रॉन्ग। यहाँ ध्यान देना, मैंने पर्पसफुली ये वाला टेबल चूज किया सो दैट सारे कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाए। यहाँ देखो, ध्यान रखना कि जो हमने 3 का टेबल लिखा है ना, इसमें 1 डिजिट जहाँ तक आ रहा है उसके हम लोग यहाँ पे पहले 0 लगाते हैं। सो व्हाट यू विल गेट हियर, यहाँ हमें 2 डिजिट मिला है 4 से, बट यहाँ जो 9 मिला है वो 3 से मिला है। सो बेसिकली यहाँ पे आपके पास 0 होना चाहिए था इस 9 के पहले, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे ये 0 प्लस 2 होगा और ये रह जाएगा एज इट इज, दैट मीन्स 129, गॉट इट, क्लियर। देख सकते हो 43 अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेबल में इतना ही आना चाहिए, एंड दिस इज यस, तो दिस इज डन। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, सेम जहां पे 4 डिजिट आया है उसके लिए तो टेंशन लेना ही नहीं है, तो दिस 172, देन यहां पे आ गया 215, यहां मिला आपको 258, देन यू हैव गॉट हियर 8 प्लस 2 10 होता है, सो 1 आएगा कैरी फॉरवर्ड 301। सिमिलरली हियर यू आर गोइंग टू गेट 344, हियर 387 एंड फाइनली यू हैव गॉट 430 एंड दिस विल बी द टेबल ऑफ 43। सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, दैट मीन्स यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ यू हैव टू राइट द टेबल ऑफ 57 एंड दैट विल बी योर होमवर्क, यू हैव टू डू दिस, ओके। एंड द मोस्ट अमेजिंग ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ 99 का टेबल, एंड बिलीव मी जिस तरीके से मैंने बताया है यू हैव टू राइट लाइक दैट ओनली, बट उससे भी आसान तरीका 99 के टेबल में, व्हाट यू हैव टू डू, सेम प्रोसेस यू कैन अप्लाई ओवर हियर ऑल्सो, जो मैंने अभी बताया, 9 का टेबल लिखो, 9 का टेबल लिखो, आपस में आप दोनों को मर्ज कर दो बीच वाले नंबर्स को, राइट। सो फाइनली व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, दैट विल बी अ सुपर अमेजिंग आंसर। जस्ट सी 9 का टेबल क्या होता है, 91 जा 9, 92 जा 18, सो डायरेक्टली आई विल राइट हियर 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 एंड 90। अब नेक्स्ट क्या करना है, यू हैव टू जस्ट पुट ओवर हियर 19 एवरीवेयर, यू हैव टू जस्ट पुट 19 इन द सेंटर एंड यू आर गोइंग टू गेट द टेबल ऑफ 99। जस्ट सी दिस अमेजिंग ट्रिक, चेक करके देख लो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ रहा है, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, इसके टेबल में ये वाले ट्रिक लगा के फाइनली व्हाट यू विल गेट दैट विल बी लाइक दिस ओनली, दैट मीन जस्ट राइट डाउन 9 का टेबल एंड देन यू हैव टू राइट इन बिटवीन 9 एंड यू विल गेट द 99 का टेबल, ओके। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड सो दैट वी विल सी मोर टेबल्स। तो जल्दी से 57 एंड 89 का टेबल लिख के मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, दैट वेदर यू आर गेटिंग इट और नॉट। सो आई एम श्योर कि आपको जितने भी तरीके बताए हैं मैंने, ये सारे टेबल को रिकॉल करने का, लिखने का और दिमाग में बिठाने का आपको अच्छे से समझ में आया और उसे आसानी से आप यूज़ कर सकते हो, है ना। तो जो मैंने आप लोगों को टास्क दिया है, होमवर्क दिया है, उसको करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना कि ये मेथड आपको कैसा लगा और क्या आप इसको यूज़ करके कोई सा भी टेबल लिख पा रहे हो।
तो अगर ऐसा है तो प्लीज कमेंट करना और साथ में ये जरूर बताना कि नेक्स्ट आपको किस तरह के ट्रिक्स चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर दीज टाइप ऑफ वीडियोज। ओके, सो मैं आती रहूंगी और डेली के डेली लाइफ में जो हमारे पास प्रॉब्लम्स है मैथ्स की उसको सॉल्व करती रहूंगी। ओके, सो सी यू देयर एट लर्नू हब।